भारत में ऐसा हुआ है कि कई बार सभ्यताएं चौथे शरीर की सर्वाधिक गति में थी। कृष्ण के समय, बुद्ध के समय ये चौथा शरीर सर्वाधिक गति में था और आज वो सर्वाधिक संभावनाशील है। अभी परिपूर्ण रूप से गति नहीं पाया है, लेकिन जिस समय हम रह रहे हैं आज पूरी संभावना है कि चौथा शरीर गतिशील हो जाए। अधिकतर लोगों का चौथा शरीर जब गति पाएगा तो अध्यात्म अपने वास्तविक अर्थों को उपलब्ध होगा। शरीर का विकास भी इसी तरह से हो रहा है जैसे सभ्यताओं का विकास हो रहा है। बच्चा जन्म लेता है तो वो पहले भौतिक स्थूल शरीर को ऊर्जा लेकर जन्मता है, भौतिक शरीर विकसित हो रहा है। आने वाले 7 वर्षों में, 7 चक्रों की जो हमने बात की है उसमें 7 वर्षों को भी शामिल करना पड़ेगा। और भारतीय दर्शन में तुम देखोगे ये 7-7 बहुत तुम्हें दिखाई देगा हर जगह। कहीं 7 परिक्रमाएं हैं, कहीं 7 चक्र हैं, 7 का अंक तुम्हें बार बार दिखाई देगा इन 7 शरीरों के कारण। हर ओर से 7 की इंगित कर दी जाती, इशारा कर दिया जाता। विवाह में भी तुम्हें 7 फेरे लगवा दिए जाते। क्यों? क्योंकि 7 शरीरों की यात्रा करनी है अगर संबंध के साथ तो संबंध सार्थक है। लेकिन विवाह में होता क्या है, 7 चक्कर तो लगते हैं, फिर तुम गोल गोल ही घूमते रहते हो, फिर कभी उस सर्कुलर मोमेंट से बाहर ही नहीं आते। सभ्यता इशारा करती रही भारत की थोड़ा स्पाइरल मोमेंट लो, 7 की गति करो और ऊपर निकल जाओ, संबंध तभी सार्थक बनेंगे। तो बच्चा जब जन्मा तो पहले 7 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है और गर्भ में भी 7 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। 7 महीने तक अगर गर्भ में कोई शिशु जीवित रह जाता है तो वो जीवित रह जाता है। 7वां महीना इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 7वें महीने में तुम्हें बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, वो महीना पार करते हो तो शिशु सुरक्षित हो जाता है। जन्म के बाद 7 वर्ष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गर्भ में 7 महीने महत्वपूर्ण है और जन्म के बाद 7 वर्ष, 7 वर्ष में शरीर गति पाता है, समृद्ध होता है और उसके पास केवल अपनी भौतिक संवेदना है। खाना, पीना, सोना और आराम करना, यही वो शरीर जानता है। कुछ लोग होते हैं जो इस 7 शरीर पर ही रुक जाते हैं तो उनका पूरा जीवन इसी में रुका रहता है, खाना, पीना और सोना। कुछ सभ्यताएं इस 7 साल के शरीर के विकास क्रम में रुक जाती हैं तो उनकी सभ्यताओं की ऊर्जा भी इसी में अटक जाती है, खाना, पीना और सोना। लेकिन अब ऐसी सभ्यताएं थोड़ी कम रह गई हैं, ये ज्यादा आदिम है। 2 शरीर तक विकास तो होता ही, अगले 7 वर्ष, 14 वर्ष जब दूसरा चक्र जागृत होता है विकास क्रम का तो वो तुम्हें यौन परिपक्वता देते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी देते हैं। अब ये 7 का जो अंक है ये रहस्यमय ढंग से तय किया गया है, लेकिन ये आगे पीछे भी हो सकता है। ऐसा कोई बिल्कुल इसमें कट्टर निर्धारण नहीं है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि आज 11 वर्ष में भी यौन परिपक्वता हो जाती है, 12 वर्ष में भी, 10 वर्ष में भी, वो एवरेज नीचे गिरा है। लेकिन 7 वर्ष एक एवरेज आंकड़ा है, औसत आंकड़ा है। 7 वर्ष यौन परिपक्वता के, वो यौन ऊर्जा के जागृत करने के। अब शरीर की ये मौलिक ऊर्जाएं हैं यौन ऊर्जा का विकास। तो जो व्यक्ति इस दूसरे शरीर के विकास पर रुक जाता है 14 वर्ष के विकास क्रम पर, उसी को तुम्हारे शास्त्र कहते हैं आहार, निद्रा, मैथुन में संलग्न व्यक्ति, फूड, स्लीप एंड सेक्स, ये 3 चीजें।
जो सभ्यताएं इस दूसरे शरीर के विकास क्रम में रुक जाती हैं, उनकी ऊर्जा वहीं पर रुकती है और वो सभ्यताएं इन्हीं में गति करती। और मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि 14 वर्ष की मानसिक उम्र में बहुतायत लोग रुक जाते हैं, वो 14 वर्ष से आगे मानसिक उम्र में विकसित नहीं होते। इसीलिए तुम लोगों को थोड़ा सा जब नज़दीक से देखोगे तो उनके भीतर तुम एक बच्चा छुपा हुआ पाओगे, एक बड़ा ही बचकाना व्यक्ति उनके भीतर छुपा हुआ पाओगे। अक्सर जब तुम्हारी शादी होती है तो तुम्हें ऐसे बच्चों से आमना सामना हो जाता है, कितना बचकाना व्यक्ति या बचकानी स्त्री है। और मैं जानता हूँ लोगों को भी जो अपने संबंधों में भी कितने बचकाने ढंग से व्यवहार करते हैं, कितनी बचकानी बातें करते हैं, क्योंकि तुम्हारी 14 साल की उम्र सक्रिय हो गई। स्त्री पुरुष की निकटता और ये दूसरे शरीर की सक्रियता उन्हें बचकाना बना देती है, जिन्हें तुम लव टॉक्स कहते हो, सिली टॉक्स, उसमें तुम ऐसे ही बचकानी बातें करते हो जैसे 14 साल के बच्चे बातें कर रहे हो। सभी का अनुभव होगा। लेकिन वहां रुकना नहीं, रुक गए तो मुश्किल है। फिर अगले 7 वर्ष 21 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति के अंदर तीसरे शरीर का विकास होता है, सूक्ष्म शरीर का, एस्ट्रल बॉडी का, और उसमें विचार शक्ति, विवेक शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है। यहां पर तुम्हारी सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति सबका योगदान होता है। और जब कोई व्यक्ति दूसरे शरीर से व्यवहार करता है तो वो सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति सबको इनकार करता है। जब तीसरे शरीर पर, तीसरे शरीर की ऊर्जा से युक्त होकर कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो सभ्यता, शिक्षा और संस्कृति के सार को ग्रहण करके विकसित होकर व्यवहार करता है, वो सभ्य होता है। इसीलिए अगर कोई किसी के प्रेम में पड़ जाए, पैशनेट लव में, पहले तो पैशनेट लव में ही तुम पढ़ते हो, जिस डिवाइन लव की बात करते हो वो केवल मास्किंग है, मुखौटा है। मैं तुम्हें बहुत सांत्वना नहीं दे पाऊंगा कि मैं तुम्हें ये कहूं कि तुम्हारा सारा प्रेम बहुत ही दैवीय है। ठीक है, तुम्हारा पशु भी तुम्हारा ही है, उसका स्वागत करो, उसका सम्मान करो। तो जब कभी कोई उस पैशनेट लव में होता है फिर वो किसी की परवाह नहीं करता। लोग घर छोड़ देते हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, यहां तक एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। प्रेम में तो ये पागलपन नहीं हो सकता। अगर सचमुच में प्रेम हो तो क्या तुम इतने विक्षिप्त हो सकते हो? और क्या एक व्यक्ति जिसने प्रेम की एक किरण जानी वो इतनी विक्षिप्तता को अपने साथ ढो सकता है? नहीं, ये प्रेम नहीं होगा, ये दूसरे शरीर की ऊर्जा का धक्का होगा। प्रेम की संभावना चौथे शरीर से आती है, जब तुम उस कुंडलिनी के द्वार तक पहुंचते हो, उसे स्पर्श करते हो और तुम अपने सूक्ष्म शरीर को ठीक ठीक व्यवहार में ले लेना सीख लेते हो, अपने विचार, तर्क और अपनी बुद्धि को, तब प्रेम घटता है बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से, बड़े ही करुणापूर्ण ढंग से। और उस प्रेम में सबको स्वीकार कर लेने की क्षमता होती है, वो ऑल इंक्लूसिव लव बनता है। उसी प्रेम की बात सारे संबुद्ध मित्र करते हैं। कई कई सभ्यताएं उस तीसरे चरण तक आती हैं, वहां पर विचार बहुत तेज गति पाता है, बहुत बड़े बड़े विचारक जन्म लेते हैं, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक जन्म लेते हैं। वैज्ञानिक क्या कर रहा है? तुम देखो, वैज्ञानिक एक गहरे से गहरा विचारक है, वो कल्पना कर रहा है, कल्पना को फिर यथार्थ का जामा पहनाता है। विचारक विचार कर रहा है, वो उस ऊर्जा से संचालित हो रहा है। तो विचार की यात्रा कोई बहुत बड़ी यात्रा नहीं है, हालांकि वो भी एक अच्छा मुकाम है, अच्छी मंजिल है। हमने पहले आयाम में उसकी चर्चा की, तुम आए हो यात्रा करते करते और अपने सूक्ष्म शरीर तक आ गए हो।
विचार की गति में। लेकिन ये विचार तुम्हारे भीतर तनाव भी पैदा कर रहा है। अब सहजता की आवश्यकता है कि विचार को सहजता में विश्राम दे और वो ऊर्जा अभी व्यवस्थित नहीं है जो तुम्हें विश्रांत नहीं करती, तुम्हें रिलैक्स नहीं करती। आंतरिक ऊर्जा का कोई भी अनुभव तुम्हें रिलैक्स कर देता है, तुम्हें विश्राम पूर्ण कर देता है। यही कसौटी है। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हें मिले और वो कोई भी बात करे अपनी आंतरिक ऊर्जाओं की, आंतरिक शरीरों की या कुंडलिनी की, और वो बहुत ही बेचैन, अस्थिर, द्वंद्वों से भरा, विचलित व्यक्ति हो, तो तुम समझ सकते हो कि उसकी सारी बातें केवल काल्पनिक, पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई है, वास्तविक अनुभव नहीं है। अगर वास्तविक अनुभव उसके भीतर घट गया होगा तो पहली पहचान आएगी, ये कसौटी है। संबुद्ध मित्र से हमेशा से बताते रहे कि स्थिरता आ जाती है उस व्यक्ति के चलने, उठने, बैठने, बोलने में एक किस्म की समस्वरता होती, हार्मनी। इसीलिए जब तुम उसके संपर्क में आते हो तुम अचानक बड़े प्रसन्न हो जाते हो, अकारण प्रसन्नता तुम्हें घेर लेती, क्योंकि वो समस्वरता की तरंग उससे निकलकर सब कुछ अपने में घेरने लगती है, तुम्हें स्पर्श करने लगती है और तुम भी उन तरंगों के प्रभाव में शांत हो जाते हो। जिनके भीतर की आंतरिक ऊर्जा अभी व्यवस्थित नहीं है वो अपने अंदर बेचैनी की तरंगें लेकर घूमते हैं और उनके संपर्क में आकर लोग बेचैन होते हैं। जैसे ही ऊर्जाओं का संतुलन आएगा तुम शांत हो जाओगे। जैसे तुम्हारे जीवन में अगर स्त्री पुरुष संबंधों की जो बात मैंने कही उसी ओर अगर तुम खोज करोगे तो जो तुम्हारे लिए ही तय व्यक्ति होगा, जैसे ही तुम उसके संपर्क में आओगे तुम्हारे भीतर गहरी शांति उतर आएगी, जैसे पूर्णिमा की चांदनी तुम्हारे अंदर झर गई हो, ऐसी शीतलता। लेकिन अगर तुम किसी के संपर्क में आते हो तुम्हारे भीतर एक उत्तेजना व्याप्त हो गई है, एक बेचैनी व्याप्त हो गई है, तो अभी तुम्हें वो उत्तेजना हो सकता है कुछ संतोष दे रही हो, कुछ सुख दे रही हो, लेकिन जल्दी ही तुम अशांति में घिर जाओगे, जल्दी ही तुम्हारे भीतर असंतोष व्याप्त हो जाएगा। हर संबंधों की यही पीड़ा है। तो अपने संबंधों को पहचानने के लिए भी तुम इसका उपयोग कर सकते हो कि देखो शांति और समस्वरता, पीस एंड हार्मनी कैसे आती है तुम्हारे भीतर। इस ऊर्जा के विकास के लिए ही धर्मों ने कई व्यवस्थाएं की, सामूहिक प्रार्थनाओं की, सामूहिक ध्यान की, आश्रमों की व्यवस्था भी इसीलिए की गई। भारत में बहुत बड़े सामूहिक प्रयोग की पहले अवधारणा नहीं थी, केवल जब हमारे मित्र गौतम बुद्ध आते हैं 2500 वर्ष पहले तो वो संघ का निर्माण करके साधकों और संबुद्ध मित्रों के एक समूह का निर्माण करके इस ऊर्जा की व्यवस्था को गति देना प्रारंभ करते हैं। एक प्रयोग था, एक ही ऊर्जा में गति करते हुए लोग जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो पूरा वातावरण संस्वरित हो जाता है, दूर दूर तक वो तरंगें फैल जाती हैं और जो लोग भी उनके संपर्क में आते हैं उनके जीवन में शांति उतर आती है, हवा बदल जाती है। इस्लाम में सामूहिक प्रार्थना की व्यवस्था की गई, ईसाइयों ने सामूहिक प्रार्थना की व्यवस्था की, हिंदुओं में एक सामूहिक प्रार्थना या सामूहिक ध्यान की व्यवस्था व्यवस्थित तौर से नहीं रही। तो ये सामूहिक ध्यान और सामूहिक साधनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वहां पर तुम नई ऊर्जा की एक व्यवस्था पैदा करते हो और पूरे वातावरण को शुद्ध कर देते हो। आश्रमों की व्यवस्था जिन संबुद्ध मित्रों ने की उसके पीछे भी यही उद्देश्य था। अगर साधक बिखरा बिखरा है तो वो ऊर्जा का कैरियर तो है, संवाहक तो है,
लेकिन उसमें उतनी प्रखरता नहीं है, उतनी इंटेंसिटी नहीं है। तो आश्रम की व्यवस्था में जब एक साथ बहुत सारे ध्यानी इकट्ठे हो जाते हैं और ध्यान में डूबते हैं तो एक गहरी इंटेंसिटी बन जाती है ऊर्जा की। इसी समूह की ऊर्जा की इंटेंसिटी का उपयोग राजनेता भी करते हैं, दंगाई भी करते हैं और संबुद्ध मित्र भी करते हैं। देखो भीड़ कितनी ऊर्जावान हो जाती, अकेला व्यक्ति कभी बहुत ऊर्जावान नहीं होता। भीड़ निकलती है और भीड़ में एक तरंग है, एक खास भावदशा है और अक्सर भीड़ दंगा करती है। जो लोग कुछ नहीं करने वाले होते हैं वो भी कुछ कर डालते हैं, जो बड़े सीधे साधे लोग होते हैं उनको भी वो ऊर्जा पकड़ लेती है और वो भी बड़े विध्वंसक हो जाते हैं। समूह की ऊर्जा अगर विध्वंस की तरफ जाती है तो सृजन की तरफ भी जाती है। अगर 50 लोग ध्यान में बैठे हैं और तुम कल्पना करो 5 लोग वहां ऐसे भी बैठे हैं जो अभी ध्यान में कोई गति नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने अभी अभी उसमें बैठना शुरू किया है, तो बाकी 45 लोगों की उपस्थिति में वो 5 लोग भी ध्यान में खींच लिए जाएंगे, उस ऊर्जा में वो भी खींच जाएंगे बड़ी सहजता से। अगर वो 5 अकेले बैठेंगे तो उन्हें हो सकता है बरसों लगें, और अगर वो समूह में बैठ जाएं तो हो सकता है वो उसी क्षण अपने अंदर खींच लिए जाएं। ये ऊर्जा की रहस्यमय व्यवस्था है।